डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखे, मतलब फॉर्मूलेस देखे, और उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टुडेज लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? देखो, लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, ए प्लस बी द होल क्यूब। इसको कैसे लिखे थे? क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू थ्री इंटू ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसमें फर्स्ट टर्म का देखो पावर रिड्यूस हो रहा है और सेकेंड टर्म का पावर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर यही एक्सप्रेशन ऐसा हो, ए प्लस बी रेस टू सेवन बाय थ्री, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हमारे लिए क्या होगा? काफी मुश्किल होगा। सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी द होल क्यूब, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है। उसी तरह 2x प्लस वाई रेस टू 4 बाय थ्री, दिस इज योर ऑल्सो बायनोमियल एक्सप्रेशन। 4x माइनस थ्री रेस टू 7, ये भी तुम्हारा क्या है? बायनोमियल एक्सप्रेशन। फिजिक्स के अंदर इस बायनोमियल एक्सप्रेशन को अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व करते हैं। वो किस तरह से सॉल्व करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग को ये सॉल्व करने के लिए, बायनोमियल थ्योरम को पढ़ने के लिए, फैक्टोरियल जानना होगा। फैक्टोरियल किसे कहते हैं? फैक्टोरियल, सपोज इफ आई से दैट एन इज अ नेचुरल नंबर, एन कोई भी एक नेचुरल नंबर है, वन टू थ्री, द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। दिस इज अ साइन ऑफ फैक्टोरियल। तो व्हाट विल बी योर एन फैक्टोरियल? एन फैक्टोरियल जो तुम्हारा होगा, एन मल्टीप्लाई बाय एन में से एक माइनस करेंगे, देन एन में से टू माइनस करेंगे, एंड सो ऑन करते करते लास्ट में क्या आएगा? तो आपका थ्री इंटू टू इंटू वन, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट फाइव फैक्टोरियल, तो हाउ विल यू साइल फाइव? फाइव, फाइव माइनस वन फोर, फोर माइनस वन थ्री, अगेन माइनस वन टू, अगेन माइनस वन वन, सिर्फ वन तक जाना आपको। कितना हो जाएगा? फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री ज़ा सिक्सटी, सिक्सटी टू ज़ा वन ट्वेंटी। बराबर है, दैट इज फाइव फैक्टोरियल। एक जहन में ये बात रखना है कि वन का फैक्टोरियल भी कितना होता है? वन। और फॉर मैथमेटिक्स पे एक हमको अप्रोक्सीमेशन समझ करना है कि जीरो का भी फैक्टोरियल कितना होता है? वन। अगर जीरो का फैक्टोरियल जीरो होता तो आंसर हर एक का लास्ट में कितना होता? जीरो। लेकिन एन क्या है? एन इज अ नेचुरल नंबर, इसलिए फैक्टोरियल में हमको लास्ट टू लास्ट कितने तक जाना है? वन तक जाना है। अंडरस्टूड? अब फैक्टोरियल के अंदर एक फॉर्मूला आएगा। सपोज हमारे पास 20 स्टूडेंट्स है और उसमें से मुझे खेलने के लिए 11 स्टूडेंट को लेके जाना है, तो मुझे क्या मिलेगा? 9 स्टूडेंट को मुझे हटाना पड़ेगा। अब वो 9 स्टूडेंट को मुझे हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अलग अलग वे से। हो सकता है पहले के कुछ 9 हट सकते हैं रोल नंबर के, या तो बाद के कुछ 9 हट सकते हैं। उसके हिसाब से हमको जो फॉर्मूला मिलेगा वो तुम लोग मैथमेटिक्स पे डिटेल्स में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिए यूज आने वाला है दैट इज कॉल्ड NCR। N इज योर टोटल नंबर और R क्या है? तुम्हारा चॉइस, कितने स्टूडेंट को मैंने उसमें से क्या कर रहा हूँ? सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इनटू N माइनस R फैक्टोरियल। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स देखोगे तो N हमेशा ग्रेटर होगा, क्योंकि हम लोग ग्रेटर में से ही क्या करते हैं? चॉइस करते हैं। स्मॉलर में से ज्यादा को नहीं निकाल सकते, बल्कि ज्यादा में से स्मॉल को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज अगर तुमको दिया है 3C2, हाउ विल यू सॉल्व दिस? देखो, 3 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल मींस 2 फैक्टोरियल, देन
थ्री माइनस टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं हम लोग, थ्री इंटू टू इंटू वन, टू फैक्टोरियल टू इंटू वन, टू माइनस वन वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल कितना होता है वन, टू टू गेट कैंसल, आंसर इज हाउ मच थ्री। अगर तुमको ऐसा दिया है सपोज टू सी जीरो, तो हाउ विल यू राइट दिस, टू फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल इंटू टू माइनस जीरो फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल मीन्स टू इंटू वन, जीरो फैक्टोरियल मैंने आपको बताया जीरो फैक्टोरियल इज हाउ मच वन, राइट यर वन, टू माइनस जीरो फैक्टोरियल यानी टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल को अगेन वी विल राइट टू इंटू वन, आंसर विल बी हाउ मच वन। अंडरस्टूड, नोट कीजिए, देखो ना इस तरह के एक्सप्रेशन को जो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, उसको सॉल्व करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, बायनोमियल थ्योरम की। तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बायनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी रेस टू एन, इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वी विल राइट एम सी आर, फर्स्ट टर्म इज योर ए, ए रेस टू एन माइनस आर इंटू बी रेस टू आर, एन यहां से मिल जाएगा आपको, आर क्या है, आर इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो टू एन, आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, और कहां तक जाएंगे अप टू एन तक, और इन सब का क्या लेंगे हम लोग, समेशन, समेशन मींस सम। नाउ सी हियर, अगर ये एक्सप्रेशन को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, सपोज इसको लिखें कैसे, समेशन मतलब सम, हाउ विल राइट एन सी आर, एन सी आर, आर कहां से स्टार्ट करना है, जीरो से, आई हैव रिटन यर जीरो, ए रेस टू एन माइनस आर, आर इज हाउ मच जीरो, तो क्या बचेगा, ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू, व्हाट इज आर, आर अगेन टेकन एज जीरो, बी रेस टू जीरो प्लस, समेशन मींस प्लस, इसका सेकेंड टर्म क्या आएगा, जीरो के बाद क्या लिखेंगे, वन, तो एन सी वन ए रेस टू एन माइनस आर कितना लिए वन, बी रेस टू वन प्लस, सेकेंड टर्म क्या आएगा इसका, राइट यार, एन सी टू ए एन माइनस टू बी रेस टू टू, इस तरह से हम लोग क्या करते जाएंगे, एंड तक सॉल्व करते जाएंगे, एंड में जो टर्म आएगा हमारा वो क्या आएगा, दैट कम्स टू बी एन सी एन, लास्ट टर्म क्या एन है, ए रेस टू एन माइनस एन बी रेस टू एन, अंडरस्टूड, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो लास्ट वाला टर्म है दैट कम्स अप्रोक्सीमेटली टू व्हाट, जीरो, इनिशियल देखो इसको सॉल्व करो, हमने ये किए थे एन सी जीरो, एन सी जीरो क्या था हमारा, एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, ये और ये क्या हो गया, कट हो गया, दिस इज फैक्टोरियल वन, यानी आंसर इज हाउ मच वन, तो इसका आंसर कितना आएगा, वन इंटू ए रेस टू एन बी रेस टू जीरो भी कितना हो गया वन, नेक्स्ट इसको एन सी वन को कैसे सॉल्व करेंगे, सी हियर एन सी वन, कैन आई राइट हियर एन सी वन, एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, देखो इसको एक्सटेंड करो, एन फैक्टोरियल को आई कैन राइट एन एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल, कट, आंसर इज हाउ मच, वन फैक्टोरियल वन होता है, आंसर इज एन, तो व्हाट विल राइट हियर, एन
ए रेस टू एन माइनस वन बी रेस टू वन प्लस क्या आ जाएगा ये एन सी टू. हाउ विल यू सॉल्व एन सी टू? एन सी टू एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल. अब इसको कट करने के लिए लास्ट टर्म कहां तक लेके जाएंगे? एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल मीन्स टू इंटू वन एन माइनस टू फैक्टोरियल. ये और ये क्या हो गया? कैंसल. क्या बचा? एन एन माइनस वन अपॉन टू. तो एन सी टू कितना हो गया? एन एन माइनस वन अपॉन टू. यू विल राइट एन एन माइनस वन अपॉन टू ए रेस टू एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस आई कैन से अप्रोक्सीमेट वैल्यू. यानी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला. अंडरस्टूड? अब देखो फिजिक्स में होता क्या, इस एक्सप्रेशन को हम लोग को अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना है. दैट इज कॉल्ड बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन. अब देखो अगर मैं तुमको बोलूं कि 0.1 द होल स्क्वायर कितना आएगा? 0.01 होगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूं? जीरो. उसी तरह से अगर मैं क्यूब लूं तो 0.001. यानी किसी लोअर वैल्यू का हाईएस्ट पावर अप्रोक्सीमेटली क्या लेके चल सकते हैं हम लोग? जीरो. तो यहां से जो हमारा टर्म है, यहां से ये पूरा टर्म, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अंडरस्टूड एज अ जीरो. ये कब होगा? देखो इधर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्या है, ए प्लस बी रेस टू एन हमको दिया हुआ है. अंडरस्टूड? इफ आई से दैट बी इज वेरी स्मॉल, ए कॉमन निकालो, ए रेस टू एन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? वन प्लस बी अपॉन ए रेस टू एन. तो देयर फोर बी अपॉन ए टेन टू क्या हो जाएगा? जीरो. इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? नाउ ये एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा हमारा? ए प्लस बी रेस टू एन क्या होगा? ए रेस टू एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बी प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू ए रेस टू एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डैश 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 अप्रोक्सीमेट वैल्यू. यह हमारा क्या है? बायनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन फॉर अप्रोक्सीमेशन. बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? a प्लस बी रेस टू एन दैट विल बी a रेस टू एन प्लस एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन बी. ये हायर पावर को हम लोग क्या करेंगे? निग्लेक्ट करेंगे. क्यों निग्लेक्ट करेंगे? मैं आगे बताता हूं आपको. वॉट इज कॉमन इन बोथ? ए रेस टू एन, यहां पे क्या बचा? वन प्लस एन ए रेस टू एन क्या बचेगा? दैट कम्स टू बी बी अपॉन ए. तो ए प्लस बी रेस टू एन का जो अप्रोक्सीमेशन है ये आएगा. कब आएगा? वेन बी अपॉन ए टेंड्स टू जीरो. अब देखो इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से आगे. सी यार, 0.1 का जो क्यूब है वो कितना होगा? 0.1 एक बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है. इसका क्यूब कितना होगा? 0.001. क्या मैं इसको बोल सकता अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो?
लोअर पावर, लोअर टर्म का हायर पावर हमेशा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है? अप्रोक्सीमेट हम इसको क्या समझ के चलेंगे? जीरो। इसलिए मैंने बताया कि ये जो आगे का जो हमारा टर्म मिल रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेशन। सपोज इफ आई से दैट आई हैव गिवन अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स रेस टू एन सच दैट एक्स इज वेरी स्मॉल। एक्स की वैल्यू क्या है? बहुत ही स्मॉल है। तो इसका बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन क्या होगा? बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन क्या लिखेंगे हम लोग? 1 प्लस एक्स रेस टू एन, यू विल राइट 1 प्लस एन एक्स, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड? आगे जो हायर पावर है हमारा क्या हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ए प्लस बी रेस टू एन, ए रेस टू एन वन प्लस बी। अंडरस्टूड? क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या हमारा वन है और सेकेंड टर्म क्या है? कोई रियल नंबर है। अंडरस्टूड? तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत नाइटली डिफरेंस आएगा इस फॉर्मूले से। ऑल्सो वी कैन राइट दिस एज अ 1 प्लस एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू वॉट? अगर ये माइनस एन आ गया तो 1 माइनस एन एक्स। खाली कंडीशन याद रहनी चाहिए, एक्स इज वेरी स्मॉल। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग अपनी फिजिक्स के अंदर इजीली यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग। देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या है। इफ यू हैव गिवन द एक्सप्रेशन ए प्लस बी रेस टू एन और इसको सॉल्व करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा दैट इज समेशन ऑफ एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर b रेस टू r, n आपको यहां से मिल जाएगा। वॉट इज r? r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू n, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां पे जाके करेंगे? n पे एंड कर देंगे। देखो इसको एक्सपांड करो, कैसे एक्सपांड करेंगे? a प्लस बी रेस टू n, समेशन मीन्स इसका बार बार हम क्या करेंगे? सम करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? एन गिवन ईयर सी, आर को कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो से, राइट ईयर जीरो, ए रेस टू एन माइनस जीरो, बी रेस टू जीरो। फर्स्ट टर्म आ गया, समेशन मींस सम। अब आर की जगह जीरो के बाद क्या नंबर आता है? वन। तो ऑन द प्लेस ऑफ आर यू विल राइट वन, क्या हो जाएगा? एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन b रेस टू वन। इसके बाद का टर्म क्या आएगा? तो समझ गया होगा आपको ऑलरेडी, एन सी टू ए रेस टू एन माइनस टू बी रेस टू टू। अब से अप्रोक्सीमेशन चलते जाओ तो क्या मिलेगा आपको? लास्ट टर्म क्या मिलेगा? एन सी एन, लास्ट टर्म इज n, a रेस टू n माइनस एन b रेस टू n, a रेस टू n माइनस एन क्या होगा? जीरो, a रेस टू जीरो वन। अब देखो तुम्हारा टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? सी अब फर्स्ट टर्म इज एन सी जीरो, कैसे हमने किए थे इसको फॉर्मूला अप्लाई? फैक्टोरियल n अपॉन जीरो फैक्टोरियल इंटू n माइनस जीरो का फैक्टोरियल, ऊपर वाला n फैक्टोरियल वैसी, जीरो फैक्टोरियल हमने कितना कंसीडर किए थे? वन। n माइनस जीरो फैक्टोरियल मीन्स n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर इज हाउ मच? वन। इसका आंसर कितना मिला हमको? वन, a रेस टू n माइनस जीरो n, b रेस टू जीरो वन। फर्स्ट टर्म हो गया आपका। सी सेकेंड टर्म एन सी वन, हाउ राइट एन सी वन?
एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एन फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे कहाँ तक, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि इसके साथ कैंसिल हो जाए, वन फैक्टोरियल इज वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल कैंसिल, कितना बचा एन अपॉन एन, वन मीन्स एन। तो राइट ईयर एन ए रेस टू एन माइनस वन, बी रेस टू वन। इसके बाद में एन सी टू, हाउ वी राइट एन सी टू, एन सी टू एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल। नाउ यार एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन टू का फैक्टोरियल कितना होता है टू इंटू वन, एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसल। क्या बचा आपके पास में, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। तो वॉल वी विल यू राइट हियर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ए रेस टू एन माइनस टू, बी रेस टू टू, अप टू डैश डैश डैश। एन सी एन कितना होगा, एन सी एन एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल एन माइनस वन जीरो फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आएगा, वन। ये निगलेक्ट हो जाए तो क्या बचेगा, वन। ये भी क्या है, वन। क्या बचेगा लास्ट में, बी रेस टू एन। इसकी भी वैल्यू आपकी वन आ जाएगी और इसकी भी वैल्यू वन आ जाएगी। अंडरस्टूड अप टू हियर, व्हाट इज योर आंसर, ए प्लस बी रेस टू एन जो आएगा हमारा, ए रेस टू एन प्लस एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन, बी प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ए रेस टू एन माइनस टू, बी टू प्लस डैश डैश अप टू व्हाट, बी एन। अंडरस्टूड। देखो अब हमको फिजिक्स के अंदर इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, याद रहेगा तो बहुत ही बेहतर है। हमें जो देखो फॉर्मूला जो यहाँ से यहाँ तक का है उसको हमको अप्रोक्सीमेशन में लेना है, दैट इज कॉल्ड बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता क्या, सपोज ये एक्सप्रेशन तुम्हारा a प्लस बी है, मैंने इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स रेस टू एन सच दैट x इज वेरी स्मॉल। इस तरह से लिखे कि x क्या है, बहुत ही स्मॉल है, छोटा है। तो व्हाट यू विल राइट, देखो उस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, 1 प्लस x रेस टू n। अब a की जगह आपका कितना आ गया, 1 टू द पावर n, आंसर विल बी हाउ मच, 1। आई हैव रिटन यर 1, देन आफ्टर n a n माइनस 1 इंटू बी n, n क्या आपका n है, व्हाट इज a, 1 इंटू बी n माइनस 1, 1 रेस टू n माइनस 1 भी आंसर कितना आएगा, 1 इंटू बी क्या है x, आंसर कम्स टू बी 1 प्लस एन एक्स। आगे जो भी टर्म आएगा दैट कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 0। तो ये आपका क्या रहा आंसर, सिर्फ कंडीशन ये होनी चाहिए कि x टेंड्स टू 0, x शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अंडरस्टूड। यार भी अप्रोक्सीमेशन में क्या आएगा, इसको हम जीरो कम मानेंगे व्हेन बी टेंड्स टू हाउ मच, जीरो, बी अपॉन ए टेंड्स टू जीरो, तो ये हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे। अंडरस्टूड। हाँ, ये एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है, 1 प्लस एक्स रेस टू एन माइनस 1, क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन, डायरेक्ट याद रखेंगे 1 माइनस एन रेस टू एक्स, दैट्स ऑल। अगर एक्सप्रेशन ऐसा आता है सपोज 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस एन, आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये n को यहां लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 1 प्लस एन एक्स।
अगर एक्सप्रेशन ऐसा आ जाता तो 1 माइनस एक्स रेस टू एन क्या होगा आंसर, 1 माइनस एन एक्स, अंडरस्टूड। तो ये फॉर्मूले, ये जो मैंने लास्ट में तुम्हारे टर्म बताए उसको तुमको याद रखना है, और ये MCQs को इजीली अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करने के लिए आसानी होती है। अच्छा, ये जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो आती है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, माइनर चेंजेस होते हैं, अंडरस्टूड। थैंक यू। एक एग्जांपल देखो, सपोज यू हैव गिवन द वैल्यू 4x प्लस 3 रेस टू 2/3। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो क्या करना हमको, सपोज यहाँ पे मैं एक y भी लिख देता हूँ। सबसे पहला इस बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। तो टेक 4x एज अ कॉमन आउटसाइड। अगर मैंने 4x बाहर लिया तो रेस टू पावर कितना है 2/3, इक्वेशन बिकम्स 1 प्लस 3y अपॉन 4x रेस टू 2/3। नाउ कैसे अप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेशन को, 4x रेस टू 2/3 लिखे हमने, सिर्फ ये 2/3 को यहाँ लाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 2/3 इंटू 2y/4x, दैट्स ऑल, दैट इज 3y। 3 गेट कैंसल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, व्हाट इज द आंसर, 4x रेस टू 2/3, 1 प्लस y/2x, दैट इज योर आंसर, 4x प्लस 3y रेस टू 2/3। नाउ वी विल सी टू एग्जांपल्स फॉर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। पहला देखो, 3 प्लस 2x रेस टू 3/4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 3 की जगह पे कितना होना चाहिए 1, और सेकेंड टर्म क्या होता है क्लोजली या नियरली इक्वल टू क्या होना चाहिए 10 to 0। पहले क्या करेंगे, 3 कॉमन निकाल देंगे यहाँ 1 करने के लिए, 3 कॉमन निकाले तो क्या हो गया 3/4, 1 प्लस 2x अपॉन 3 रेस टू 3/4, 3 रेस टू 3/4 एज इट इज। अब इस पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए 3/4 को यहाँ लाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा 1 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 2x/3, 3 कैंसल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, क्या आ जाएगा 3 into 3/4, 1 प्लस कितना बचा ऊपर x/2, दैट इज योर आंसर। सी द सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1001 रेस टू 1/3। इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है। यू कैन ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट, 1000 + 1 रेस टू 1/3। स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं 1 + 1000 रेस टू 1/3, और फिर यहाँ पे 1/3 लेके बाइनोमियल, आंसर विल बी रॉन्ग। ये 1000 10 टू 0 नहीं, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा 10 टू 0, तो ये एक्सप्रेशन लिखना सही नहीं रहेगा। इसे हम कैसे लिखेंगे, 1000 इसमें क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाले तो 1/3 आ गया, 1 प्लस 1/1000 रेस टू 1/3। कैन आई राइट 1000 एज अ 10 रेस टू 3, और पहले से कितना 1/3, 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 1000 1/3, 3 गेट कैंसल 10। अब इसको अप्लाई करो क्या, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, सिर्फ 1/3 को यहाँ लाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, द इक्वेशन बिकम्स 1/1/3 इंटू 1/1000। नाउ सॉल्व दिस, 10 इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.3333, और ये कितना आ जाएगा 0.001।
मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 1 प्लस 0.000 एट दिस कितना जाएगा 1.3333 10 से मल्टीप्लाई तो कितना 10.003333 दैट विल बी आवर अप्रॉक्सीमेट आंसर. अंडरस्टूड. तो आज हमारा बायनोमियल थ्योरम कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फॉर अ लॉगरिथम. थैंक यू.